नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा 10वीं 12वीं के शिक्षा परिणामों की सूची जारी की गई, जिसमें शहर के महाकौशल स्कूल के 10वीं के छात्र समीर पटेल ने 488 अंक लाकर प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया है। महाकौशल स्कूल के और साथ ही जिले में समीर को पहला स्थान मिला, जिससे उनके परिवार में काफी खुशी का माहौल है। मॉडल हाई स्कूल में 12वीं कॉमर्स के छात्र शिवांग नामदेव ने मध्य प्रदेश में 10वां स्थान लाकर शहर के साथ अपने स्कूल परिवार का नाम रोशन किया। शिवांग के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा है। वैसे 12वीं का परिणाम है, शिवांग के पिता गोविंद नामदेव को पता चला कि बेटे ने प्रदेश में 10वां स्थान, जिले में पहला स्थान हासिल किया है। जी, आज हम जो है 12वीं में आपने टॉप किया है, 10वां स्थान पूरे मध्य प्रदेश में आया है, कैसा महसूस कर रहे हैं और इसके पीछे क्या राज है? कुछ नहीं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इसके पीछे मेरे टीचर्स का मार्गदर्शन मिला मुझे और मेरे शिक्षकों ने भी मुझे बहुत प्रेरित किया कि आप आराम से कर सकते हैं, आपको कुछ प्रेशर नहीं लेना है। और मेरे माता पिता की तरफ से मुझे कोई प्रेशर नहीं मिला, तो मैं यहाँ आगे अभी सीए करना चाह रहा हूँ, उसी के लिए मैं अभी तैयारी भी कर रहा हूँ। आपके टीचर्स का कितना सहयोग रहा? टीचर्स ने मेरे सारे, मतलब टीचर्स ने कभी मेरे डाउट्स को वो नहीं किया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उन्होंने मेरे डाउट्स को सुना और मतलब समझ के सॉल्व किया, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई आगे। बेशक आपने टॉप किया है, कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? जी, मैं दिन भर में आठ से नौ घंटे पढ़ाई करता था। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बस इतना सोचा नहीं था कि जिले में टॉप हो जाऊंगा, लेकिन अच्छा लग रहा है बहुत। भाग में कन्या सुरमानी विद्यालय सरव्यार में सहायक लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ और वहाँ पर मतलब जो भी मेरे शिक्षक साथी हैं, ऑफिस स्टाफ है, सभी का मुझे बच्चे के भविष्य को लेकर के मतलब उनसे डिस्कस करने पर काफ़ी सहयोग मिला और ख़ासकर शिवांग के टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स और मेराल सर जो कि इनके क्लास टीचर हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग मतलब बच्चे के भविष्य को लेकर के और बच्चे की स्टडी को लेकर के मिलता रहा बीच बीच में। और मैं बहुत खुश हूं कि मेरे बेटे ने जबलपुर में टॉप किया और स्टेट लेवल पे 10वें नंबर पे है। ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल है, खुशी का दिन है और मैं अपने बेटे के लिए हृदय से आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि बेटा भविष्य में इसी तरह की उम्मीद उन्नति करो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो। आपका नाम? मेरा नाम गोविंद नारायण नामदेव। जी, आज आपके बच्चे ने जो है 12वीं में टॉप किया है, मध्य प्रदेश में 10वां स्थान है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत प्राउड महसूस हो रहा है। वैसे तो हमको पूरी उम्मीद थी कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ अच्छे मतलब मार्क्स लेके आएगा, लेकिन स्टेट लेवल पे टॉप करेगा, मतलब मेरे को भरोसा था, लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा सहयोग उनके स्कूल के टीचरों का रहा, ख़ासतौर से उनके क्लास टीचर का, मतलब उन्होंने उसके दिल से बिल्कुल मतलब डर निकाल दिया था परीक्षा का, कि मतलब उसको इतनी ज़्यादा तैयारी करवाई थी। और कुछ बच्चे की भी मेहनत है, वो अपनी तरह से पूरी तरह से कोशिश करता था और मतलब घर में भी अपने तरफ से पूरी पढ़ाई करता, उसका ज़्यादा बाहर निकलना भी नहीं है, वो घर में ही पढ़ाई करता है। चूँकि परिवार वालों का भी बच्चों के पीछे काफ़ी सपोर्ट होता है, आप लोगों किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं और कितने घंटे जो है बच्चा पढ़ाई करता है? वो 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था और बाकी टाइम जैसे अपने स्कूल जाना है और मतलब कोचिंग वगैरह जाना है, बाकी अदर एक्टिविटीज़ वगैरह, लेकिन वो प्रेशर नहीं लेता था मतलब किसी चीज़ का। क्या आगे बनना चाहेगा या आप लोग ने क्या सोचा है? अब हम लोगों की तरफ से तो वो फ्री है कि जो वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है या जिस भी फील्ड में जाना चाहता है वो कर सकता है, हम लोग की तरफ से उसको ऐसा कोई प्रेशर नहीं। आपका नाम? जी, आपका नाम? मेरा नाम ज्योति नामदेव। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।